ये ले धनिया, इस महीने का बस्ती का भाड़ा 32,880 रुपए बारह आने। बारह आने कम है? ये ले 150 रुपए, इसमें और भी कम है। वो मेगा दीक्षित ने नहीं दी होंगी, मैं जानता हूँ। ये लड़की जब पहली बार इस बस्ती अकेली में आई, अकेली, मैंने बोला इसके खाने के वांदे, इसके रहने के वांदे, रहम खाया। रहेगी कहाँ है, रहम खाया। यही पाप किया ना मैंने, यही पाप किया मैंने। अब जब मैं उसे किराया मांगने जाता हूँ, कागज पूछती है, मुझे बोलती है तेरे झोंपड़े नाजायज है, नाजायज है। मैं अखबार में लिख दूंगी, पुलिस को बोल दूंगी। ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है, ऐसे लोगों से डरना ही अच्छा है भाई। नहीं डरता कौन है, लेकिन जब भी मिलती है ना तो भाषण झाड़ती है। एक बार कभी भिड़ जाऊंगा ना तो ऐसे बराबर कर दूंगा उसके अखबार के। चल तू अपने राशन की बात कर यार। नहीं दिया तो क्यों, भूल गया क्या, बड़ा पत्थर कुआ बेटा फिटोस। अरे धनिया इधर मारने का नहीं, इधर मालूम है छोटा दिमाग होता है, मालूम है। इधर अरे मालूम है छोटा दिमाग होता है, बचपन से मारो अभी तक मरा है क्या? शारीरिक संतुलन। ये ले तेरे पांच पत्तों की हरियाली ले और ऐश कर जा। क्या पापा और मेरी जेब खर्ची। आ जा बेटे, आ जा तू ला जा, मेरे को 500 रुपए दिए, देख क्या हवा रही। देख साला दिन भर तो कुछ काम धंधा तो करता है नहीं, मोटरसाइकिल चमकाते रहता है। ये ले, ये क्या 100? अरे नसीब वाला है, मेरा बाप तो मुझे 10 रुपए देता था। फिर नसीब वाला है, ऐसा बाप तुझे कहां मिलेगा। जा ऐश कर, ऐश कर जा, ऐश कर जा। जय जय शिव शंकर, कांटा लगे ना कंकर। आइए मालिक आइए। बलबीरा जी, ये घर को घूम रहा है। मालिक अभी तो सिर्फ घर घूमता है, थोड़ी देर के बाद आपको दुनिया घूमती हुई दिखाई देगी। लगता है आज शिवरात्रि के दिन मंदिर में आपको ठंडाई की जगह भांग पिला दी गई है। भांग? अब क्या होगा? मैं भैया को क्या मुंह दिखाऊंगी? तुलसी तो गाय को रो रही है, तुलसी तो रोएगी तो मुझको भी रोना है यार। तुलसी तुझे मेरे के साथ, तुलसी तो रोएगी नहीं, तुलसी तुझे मेरे के साथ। मर्दों के रोते हो, मैं कहाँ रो रहा हूँ, लेकिन तुलसी तो रोएगी तो मुझे भी रोना है यार। तुलसी अबे तू क्यों रो रहा है? मालिक आप रोएंगे तो मैं भी रोऊंगा ही ना। भांग पीने के बाद ऐसा ही होता है, आदमी रोता है तो रोता ही रहता है और हंसता है तो हंसता ही रहता है। मालिक आप एक काम कीजिए, आप थोड़ी देर आराम कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। जय भोलेनाथ, बम भोलेनाथ। चलो। वाह भोलेनाथ वाह, तेरी भांग की बूटी की भी क्या ब्यूटी है, दिन को रात कर दे और रात को दिन, बम बम भोले। लक्ष्मी भेजना तो बहू के रूप में भेजना, ताकि घर में आए और स्थिर हो जाए, और मेरी लक्ष्मी पे नजर डालने वाले का मुंह काला कर देना माँ। जय लक्ष्मी नारायण, जय लक्ष्मी नारायण वासुदेवाय, जय लक्ष्मी नारायण वासु। ये क्या प्रताप, तूने चोरी की? यार कैसी बात करता है, एक अच्छे कार्य के लिए मैंने तेरे बापू का बोझ थोड़ा हल्का कर दिया, उसको चोरी बोलता है। वैसे वो लुढ़क जाएगा तो इस लक्ष्मी का वारिस तू ही तो है, अपने जेब में हाथ डाले को चोरी थोड़ी बोलते। कहीं बापू को मालूम पड़ गया ना, मिर्गी आ जाएगी यार। उनकी हरकतों को तू नहीं जानता, मैं जानता हूँ। पैसे गिनते नहीं तोलते हैं, उनका कहना है लक्ष्मी गिनने से कम हो जाती है, हर महीने का जो भी भाड़ा आता है ना वो ऐसे। सोच मत यार, फूक दे, ममता के नाम फूक दे। तो ठीक है प्रताप, जो होगा देखा जाएगा। मगर पार्टी में तुझे भी आना पड़ेगा। एक काम कर, ये चेन पहन, कबर्ड में से शर्ट निकाल और जरा सेक्सी बन जा। लेकिन हमें जाना कहाँ है? लव रैप? ओ यू वांट मी टू डांस लाइक माइकल जैक्सन? अरे चलना है यार। अरे संभाल, फ्रैक्चर कर गई क्या? ये क्या कर रही हो, पतंग की तरह यहाँ वहाँ घूमती रहती है? तेरे को 50 मरते वाला लड़कियों के हॉस्टल में रहकर और कुछ दिन लंबे झाड़ में अटकी ना तो लटकती रह जाएगी। इसलिए तो कहती हूँ मुझे गले लगा ले राजा राम। तेरे को मैं गले लगा लूं? मैंने मेरे गले का बीमा नहीं करवाया, जूस नहीं निकालना है। और तू लड़कियों की हॉस्टल की क्या है? वार्डन हूं। सीधे रहे। जो वार्डन खुद मोहब्बत की चिट्ठियां बांटते फिरेगी वहाँ की लड़कियों का क्या होने वाला है? नजर नीचे कर, थोड़ा शर्म कर, घूम जा। वाह क्या शेर कहा आपने राघव जी, वाह
रेश वाह वाही तो आपकी शबाब की है मोहतरमा, हमारी शायरी तो आपकी शबाब तक पहुंचने के लिए कलाबाजियां खा रही है, लपक रही है बस। फिर एक और शेर कह डाली ना। चलिए आपने कहा और हमने शेर कह दिया, अभी अभी नया नया टपका है तो सुनाई ना इरशाद। अर्ज किया है, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना, ओडले ओडले ओडले। वाह क्या शेर है, आगाज जिंदगी से और अंजाम उड़ले ही उड़ले ही हूँ। कितना नया कितना गहरा, इस ख्याल की गहराई आप ही नाप सकती हैं बस। मोहब्बत की दुकान चल रही है, नहीं चलने दूंगा, इश्क नहीं करने दूंगा। प्रोफेसर राघव, पढ़ाना लिखाना सिखाना सब छोड़ के फॉरन प्रिंसिपल की ऑफिस में आइए, कम्बख शीशे की दुकान में भैंसे की तरह आतंका है। चले जाइए, शायद कोई जरूरी काम होगा। अरे मोहतरमा, जो इंसान खुद जरूरी ना हो उसका काम कहाँ से जरूरी हो सकता है। इस बात पे एक शेर अर्ज किया है कि मोहब्बत के तीन दांत टूट गए। चले जाइए ना। अच्छा आप कहती है तो चले जाते हैं, इनकी शक्ल कैसी भी हो पौधा तो प्रिंसिपल का है, पता नहीं ये धरती पे बोझ पैदा कैसे हो जाते हैं। बड़ा शौक है तुम्हें लाउड स्पीकर पे अपनी आवाज सुनाने का, फरमाइए किस लिए याद किया? सुना है हमारी पूना वाली जमीन पे झोपड़पट्टियां बन रही है, तुम जरा जाकर इंक्वायरी करके आओ तो। पूना वाली जमीन, ये अचानक आकाशवाणी कहां से सुन ली तुमने? बहरहाल इतवार को चला जाऊंगा, अभी नहीं जा सकता, चलती क्लास छोड़ के आया हूं। तुम्हारी क्लासेस कहाँ कहाँ चलती हैं और कहाँ कहाँ जमती हैं सबकी खबर हम रखते हैं गुरु। उस लेक्चरार के आंचल में ऐसे फंस गए हो कि बाप दादा की जमीन जायदाद की परवाह नहीं रही तुम्हें। हमारे बाप दादा को हमारी परवाह कौन सी थी, वरना वसीयत में तुम्हें क्यों छोड़ जाते। ठीक है चला जाता हूँ, जाओ। अब उस लेक्चरार दुलारी को बताता हूँ। अबे बेवकूफ, भाई की तरह दाढ़ी तो लगा ली, मर ये क्या सूट पहन के दुलारी से मिलने जाएगा? ओह बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाती, भाई ने क्या कपड़े पहने थे? वो सफारी। तुम गए क्या, जग हुआ अंधा कुआं, रेल छूटी रह गया केवल धुआं। गुनाते हम फिरे सब रात, हाथ के रुमाल सा हिलता रहा मैं। अब आप लोग इसकी व्याख्या कीजिए, मैं 5 मिनट में आती हूँ। अरे मैं कब तक भाइयों की दाढ़ी मूछ लगा के, ऐसे भी क्या जल्दी थी, चलती क्लास छोड़कर आई हूँ मैं। आप जानते हैं ना स्टूडेंट्स आपका नाम लेकर मुझे छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी आप मेरे क्लास के बाहर आकर खड़े हो। अरे तुम बैठो तो सही, कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, तू चीज है क्या, तेरा नाम है क्या, रेखा हेमा तक यहाँ बदना हो गई। वाह क्या शेर है, नया है क्या? बस अभी अभी लिखा है, यहाँ बैठ के यही सब तो कर रहा था। आज अब बहुत मूड में है। अरे जो मूड में लिखा है वो सुनाऊंगा ना तो फड़क उठोगी। तो सुनाइए ना। सुनाओ। रूप तेरा मस्ताना, प्यार मेरा दीवाना, भूल कोई हमसे ना चोड़ी, हो जाए। चोड़ी नहीं तो मैं प्रिंसिपल से कह दूंगी। अरे जानम, मनुष्य कपड़े मनुष्य दाढ़ी, सूट क्या मैं खुद पकड़ा गया। May I come in, sir? Shut up! Come in. Sir, मैं आपके पास एक छोटी सी कंप्लेंट लेकर आई हूँ। फरमाइए। सर, आपके जो भाई है ना राघव जी, उन्होंने मुझे छत पर बुलाकर मेरे साथ बहुत बुरी हरकत की सर। मैं शर्म से पानी पानी हो गई सर। अरे रे रे रे। लाना थे उस पर, मतलब बहुत ज्यादा बुरी हरकत की। Yes, sir. मैं अपने भाई की तरफ से माफी मांगता हूँ, मुझे मतलब उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं ये कह रहा था आप एक अच्छी खासी समझदार लड़की हैं, उस दाढ़ी वाले के चक्कर में कैसे फंस गई हैं? पता नहीं सर। मैं देखिए मैं ये कहना चाहता था कि जरा अकल से काम लें तो उसको भुला दीजिए आप। हाँ क्या क्या दाढ़ी वाले में क्या रखा है, हम लोग है ना, कभी हमारी तरफ भी देखिए, हम बहुत अच्छे हैं। ये खराबी आपके सारे खानदान में है क्या?
नहीं नहीं, मैं दरअसल ये कह रहा था कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा गोवर्धन। जय जय बाबा गोवर्धन, 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 जय जय गागा गोवर्धन, जय जय गागा गोवर्धन। ये और मैं पागल हो गया है। गोबर तुम्हारा कसम नहीं रहा बस मला का पोती। जय जय बाबा गोवर्धन, जय जय बाबा। ये ओल्ड मैन पागल मैड हो गया है। जय बाबा गोवर्धन, जय बाबा गोवर्धन, हे राम तेरी गंगा। बुड्ढा बिल्कुल सटिया गया है। जय जय बाबा गोवर्धन, एक मिनट एक मिनट, आप लोग यहाँ कैसे आए? हमने तो कोई हवन नहीं रखा है। बच्चा हम तो कल्याण है, तू यत्र तत्र सर्वत्र हमेशा उपस्थित रहते हैं। देख हमारा चमत्कार। तुम तैयार बात कर या तैयार भोगरनाथ की विजय, भोगरनाथ की विजय। मैं तो निकल ली। हल्दी मिर्ची, हल्दी मिर्ची, थैंक यू कुमार। गलती से मेरी पिक्चरें फ्लॉप हुई थी, मैं फ्लॉप नहीं हुआ। आए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, थैंक यू। क्या कर रहे हो? आए पकड़ो पकड़ो पकड़ो, नहीं पकड़ो घोड़ा। Abracadabra!
क्यों?